So, my dear friends, I solved so many questions for you. I took variety of questions. In that, I considered plus, minus, multiplication, the importance of zero, the importance of one, how to solve fractions, how to add rational numbers, etc., etc. To know you more and more about rational number, आपको मजा आने लगे हमने इतने questions अभी solve किए. बट डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि मैम ने डिविजन तो लिया ही नहीं, जबकि आप सब जानते हैं वी हैव फोर मेन इम्पॉर्टेंट बेसिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बट वी हैव नॉट टेकन द सम ऑफ डिविजन्स. सो टूडे आई एम गोइंग टू टेक द डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स, हाउ टू डिवाइड रैशनल नंबर. और डिविजन एज इट इज, जैसे हम फ्रैक्शंस में करते थे या नॉर्मल डिविजन करते हैं, वैसा ही डिविजन होगा. डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स, लाइक इफ वी हैव एक्स एंड वाई आर टू रैशनल नंबर्स, सच दैट, कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, सेकेंड नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग एक्स बाय वाई, रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग एक्स बाय वाई इज अगेन रैशनल नंबर, अगेन अ रैशनल नंबर, ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग एक्स बाय द रेसिप्रोकल ऑफ वाई. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकती थी. जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड देंगे तो सेकेंड जो टर्म है उसका हमें रेसिप्रोकल करना होगा, क्योंकि देयर इज नो एज सच मेथड ऑफ डिविजन. सिर्फ हम एक ही तरीका फॉलो कर सकते हैं कि जो सेकेंड टर्म होगी जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, दैट टर्म शुड बी रेसिप्रोकेटेड, और यू कैन से उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम करेंगे, राइट. तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी हैव टू रैशनल नंबर एक्स डिवाइडेड बाई वाई. सो वॉट विल बी आवर स्टेप, डिविजन को हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड वाई का रेसिप्रोकल करेंगे. वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन वाई. सो योर आंसर विल बी एक्स अपॉन वाई. फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर एक्स जो था इट वॉज ए बाय बी एंड रैशनल नंबर वाई इज सी बाय डी. Then what will happen? A by B divided by C by D. Now, A by B multiply. Because हम C by D को क्या करेंगे? Reciprocate करेंगे. D by C. And your answer will be AD upon BC. Fine. इसी को हम एक example से ले लेते हैं. For example, X equal to 1 by 2. And y equals to, मान लीजिए 2 by 3, right? Now, we want to divide 1 by 2 divided by 2 by 3. 1 by 2 multiply by 3 by 2. Numerator will be multiplied by numerator and denominator will be multiplied by denominator. So, your answer will be 3 by 4. Means, in division somehow we are multiplying. But the difference is second part is reciprocating, right? So division of two rational numbers is like this only. Now the properties of rational number. So before solving some questions about division, we should know about the division properly. तो division में कुछ important terms होती हैं, हम उनके बारे में पहले पढ़ेंगे. First is dividend. So what is dividend? Dividend is the number, ये हम already previous classes में पढ़ भी चुके हैं. Dividend, the number
to be divided is called divisor. Second important term is divisor. The number which divides the dividend is called divisor. Third important term is quotient. We all are familiar with the words, but in rational number again we need to know about this, right? That's why I am taking this. When dividend is divided by divisor, the result of the division, the result of the division is called quotient. पहले हम सिंपल अपना ओल्ड मेथड ऑफ डिविजन, लाइक आई वॉन्ट टू डिवाइड 15 एंड 3. हेयर 15 इज योर dividend, 3 is your divisor, and 3 5s are 15, and ये solve होके क्या हो जाएगा, remainder 0. ये क्या कहलाता है, remainder, and this is your quotient. In short you can write Q, but a simple natural number का division था. In the same way रैशनल नंबर्स में भी होगा. सो लाइक वी हैव टू रैशनल नंबर ए बाय बी एंड सी बाय डी. सो हाउ आई विल राइट, आई वॉन्ट टू डिवाइड, वी हैव टू रैशनल नंबर ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, एंड वी नीड टू फाइंड ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी. देन हाउ आई विल राइट, दिस इज योर डिविडेंड, इसको हम यहां लिख देते हैं डिविडेंड. सी बाय डी इज योर डिवाइजर, एंड यहां पर जो भी आंसर आएगा दैट इज योर क्वोशेंट, राइट. सो ये हुआ सिंपल आपका जो डिविजन का पैटर्न होता है वो. अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, और यहां पर एक चीज और मेंशन करेंगे. डिविजर जो होगा मींस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए. अगर डिवाइजर जीरो है देन द आंसर इज नॉट डिफाइंड, लाइक 2 divided by 0. So what you will answer? Not defined. Or any rational number divided by 0, then your answer is not defined. Agar aisi condition aati hai, then your answer will be not defined. Right? So simple si terms hui, jo hume malum hona chahiye before solving division. Now, simple properties of division. Simple होंगी इसकी properties. जैसे हमने multiplication में पढ़ी कि if we have two rational number we have two same rational number, means it is not necessary कि हमेशा different number हो, कभी वो numerically same भी हो सकते हैं. Like I am having a by b and another is also a by b, and I want to divide these two rational number, then what will be your answer? Yes, same चीज को same से अगर हम divide करते हैं तो हमेशा answer क्या होता है, 1. Like simple natural number same है 2 divided by 2, then your answer will be
वन, बट यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हाउ इट इज कमिंग वन. देखिए ए बाई बी, डिवाइड को वी कैन कन्वर्ट इन टू मल्टीप्लीकेशन बिकॉज देर इज ओनली वन वे टू सॉल्व रैशनल नंबर्स डिविजन. वी शुड रेसिप्रोकेट द सेकेंड टर्म. सो नाउ सेकेंड टर्म इज बी अपॉन ए, राइट. नाउ बी एंड बी विल बी कैंसल एंड ए विल ऑल्सो कैंसल. फाइनली योर आंसर इज वन. इसी का एक तरीका और है, सेकेंड वे. दिस वॉज द फर्स्ट वे. सेकेंड वे इज अगेन वी हैव अ क्वेश्चन ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय ए अपॉन बी. ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय, हमें इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. इनवर्स इनवर्स मीन्स ऑपोजिट, रेसिप्रोकल. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, ए अपॉन बी ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए एंड डिवाइड विल कन्वर्ट इन टू मल्टीप्लीकेशन. देन अगेन यू विल कैंसिल ऑल द टर्म्स एंड आंसर विल बी वन. मीन्स इफ वी हैव सेम नंबर, एनी काइंड ऑफ नंबर, इट मे बी नेचुरल, इट मे बी होल, इट मे बी इंटीजर्स एंड इट मे बी रैशनल नंबर. जो भी तरह के नंबर हैं अगर वो सेम है एंड वी आर डिवाइडिंग बोथ ऑफ देम देन आंसर विल बी वन. फाइन. सेकेंड प्रॉपर्टी इज, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल प्रॉपर्टी जो आपको सॉल्व करने से खुद ही क्लियर हो जाएंगी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ वन रैशनल नंबर इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव देन ए अपॉन बी डिवाइड को विल कन्वर्ट इन टू मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे क्या होगा, बी अपॉन ए बिकॉज वी नीड टू रेसिप्रोकेट द सेकेंड टर्म टू सॉल्व द डिविजन. नाउ ए से कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल जरूर होगा बट इट विल गिव यू आंसर माइनस वन बिकॉज हेयर बी इज नेगेटिव नॉट पॉजिटिव. सो बी वन जा बी नहीं होगा, बी माइनस वन जा माइनस बी होगा, राइट. सो योर आंसर इज माइनस वन मीन्स वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव देन योर आंसर इज माइनस वन. सेम आप इसको नॉर्मल इंटीजर से चेक कर सकते हैं, लाइक थ्री डिवाइडेड बाय माइनस थ्री है देन वॉट आंसर यू गेट, माइनस वन. हम इसकी प्रैक्टिस में ऑलरेडी हैं, इंटीजर्स हमने सिक्स सेवन में ऑलरेडी किया हुआ है. तो जब एक नंबर पॉजिटिव एंड एक नंबर नेगेटिव हो देन इट गिव्स अ रिजल्ट माइनस का. ठीक है, तो नंबर्स आर सेम बट वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव सो योर आंसर विल बी माइनस वन. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव एंड सेकेंड इज पॉजिटिव देन अगेन विल रेसिप्रोकेट द सेकेंड टर्म डिवाइड विल कन्वर्ट इन टू मल्टीप्लाई बी एंड बी विल बी कैंसिल एंड ए एंड माइनस ए विल गिव यू माइनस वन. ठीक है, साइन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए हमें इसे बहुत केयरफुली सॉल्व करना होता है. सो योर आंसर विल बी माइनस वन मीन्स वन रैशनल नंबर इज पॉजिटिव एंड वन रैशनल नंबर इज नेगेटिव एंड बोथ आर द सेम नंबर देन आंसर विल बी नेगेटिव. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ बोथ आर नेगेटिव देन माइनस ए अपॉन बी डिवाइड विल कन्वर्ट इन टू दिस बी अपॉन ए, राइट. b से b माइनस वन, a से a कैंसिल होके हमें क्या देगा, माइनस वन. माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन विल बी प्लस वन मीन्स इफ टू नेगेटिव नंबर्स एंड सेम नंबर्स वी आर डिवाइडिंग देन आंसर विल बी पॉजिटिव. ये हम इंटीजर्स के जो रूल्स फॉलो करते थे या फ्रैक्शंस में जो रूल्स फॉलो करते थे सेम रूल्स हमारे डिविजन पे भी एप्लीकेबल होंगे, राइट. नाउ now we'll solve simple division questions which we already done in fraction chapters also, but for practicing division I am solving for you. First very easy question is 1 by 1 upon 2. Here they are not mentioning that we need to divide, but the word by itself shows we need to divide here, right. So what we'll do, we'll write in this way, in place of y we'll write division.
नाउ सबसे पहले दिस इज अ फ्रैक्शन बट दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन. सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट वन हेयर इन द डिनोमिनेटर. मैंने आपको जो पहले भी बताया, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए कि एक फ्रैक्शन है और एक नहीं है, तो डिनोमिनेटर में वन लगा के हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे. सिमेट्री क्वेश्चन की मेंटेन रहना चाहिए. राइट नाउ वन बाय वन डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लीकेशन, सो इट विल रेसिप्रोकेट. सेकेंड टर्म विल बी रेसिप्रोकेटेड. नाउ वन टू ज टू, वन वन ज वन, बट देयर इज नो नीड टू राइट वन इन द डिनोमिनेटर, सो योर आंसर इज टू. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये इसलिए लिया हमने कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो वन लगाने से कितना क्वेश्चन सिमेट्रिकल लगने लगता है, सॉल्व करने में ईजी हो जाता है. राइट तो आपको ध्यान रखना है. सेकेंड फाइव बाय माइनस फाइव बाय सेवन. नाउ वी हैव नेगेटिव रैशनल नंबर, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. सबसे पहले हम बाय को कन्वर्ट कर देंगे, उसकी प्लेस पर हम लिखेंगे डिविजन. नाउ ये फ्रैक्शन नहीं है, सो वी विल पुट वन इन द डिनोमिनेटर. सिंपल प्रोसीजर, डिवाइड को हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस टर्म विल बी रेसिप्रोकेटेड, नाइन बाय माइनस फाइव. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. वी कैन राइट नाइन बाय माइनस फाइव और माइनस नाइन बाय फाइव, बोथ हैव सेम मीनिंग एंड सेम न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, यहाँ पर आपके हिसाब से अगर इसे ऊपर साइन लगाना न्यूमरेटर में, तो यू कैन पुट माइनस इन द न्यूमरेटर ऑल्सो. ये कैसे होता है इसका एक बार वापस से रिकॉल करा देती हूँ मैं. डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोई m इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, न्यूमरेटर में भी किया डिनोमिनेटर में किया. तो इज देयर एनी इफेक्ट इन दिस फ्रैक्शन, नो. एंड आफ्टर सॉल्विंग इट इज माइनस नाइन एंड माइनस फाइव, माइनस वन विल गेट फाइव. ठीक है, सो इनका मीनिंग जो है वो सेम होता है, इसलिए हम जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं. नाउ 5 से माइनस फाइव जब कैंसिल होगा तो इट विल गिव यू माइनस वन. राइट, सो योर आंसर इज 9 अपॉन माइनस वन. डिनोमिनेटर जो है वो हम नेगेटिव प्रेफरेंस नहीं देते हैं, सो व्हाट विल डू, माइनस वन, माइनस वन का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी. So your answer will be minus 9 upon 1 and there is no need to write minus 1 in the denominator. So your answer is minus 9. मैंने आपको जैसा बताया ये आपको फॉलो अगर नहीं करना है तो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट दिस ऑल्सो. योर क्वेश्चन वॉज 5 अपॉन 1 माइनस 9, 5 अपॉन 9. 5 upon 1 divide will convert into multiply and second term will be reciprocated. तो आप यहाँ पर ही इसे minus 9 by 5 लिख सकते थे. Right? You could have write minus 9 by 5 earlier. Now 5 by 1 multiply by minus 9 by 5. 5, 5 will be cancelled. Your answer is minus 9 by 1 and we never write 1 in the denominator. So your answer is minus 9, right? तो ये जैसा आप चाहें वैसा चूज करके सॉल्व कर सकते हैं. Another simple question is, if we have rational numbers and both are negative, then minus 3 by 4 by 9 by minus 16. This is a question. Minus 3 by 4 divided by 9 by minus 16. First, तो हमने क्या किया? In place of by, we put the symbol of division. Now, minus 3 by 4 multiply. Obvious है ये term reciprocate होगा. अब आप पे depend करेगा कि आप minus 16 by लिखें या 16 by minus 9 लिखें. जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप लिख सकते हैं. दोनों का मीनिंग जो है वो
सेम है. अब नाउ यू विल सॉल्व, सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो 4 एंड 16 जो है कैंसिल होगा एंड इट विल गिव यू रिजल्ट -4. सिमिलरली 3 एंड 9 विल कैंसिल, 3 3 9, तो यहां पर -1 आपको रिजल्ट में मिलेगा. राइट, न्यूमरेटर विल सॉल्व विथ न्यूमरेटर, मीन्स न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, सो -1 एंड -4 अपॉन. इन डिनोमिनेटर वी हैव 1 एंड 3, -1 एंड -4 इज 4 अपॉन 3. दो नेगेटिव जब चीज होंगी तो इट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, सो योर आंसर विल बी 4 अपॉन 3, बट पॉजिटिव 4 अपॉन 3. व्हाई? बिकॉज वी हैड 2 नेगेटिव रैशनल नंबर. राइट, अनदर क्वेश्चन इज 7 अपॉन -4. 7 अपॉन -4, नाउ बाय की जगह पर मैं डायरेक्टली डिवीजन लिख रही हूँ, 63 अपॉन 64. देन 7 अपॉन -4 डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई एंड दिस टर्म विल रेसिप्रोकेट, सो इट विल गिव यू 64 अपॉन 63. नाउ 7 वन्स 7, 7 नाइन्स 63. सिमिलरली इसे कट डाउन करेंगे 4, इसे 4 से कट डाउन करेंगे तो इट विल गिव यू रिजल्ट -1. एंड हेयर 16, बिकॉज 16 फोर 64. नाउ बचा क्या हमारे पास, न्यूमरेटर में 1 एंड 16 एंड द डिनोमिनेटर इज -1 एंड 9, सो योर आंसर इज 16 अपॉन -9, और यू कैन राइट -16 अपॉन 9. दोनों ही आंसर करेक्ट है, बट जनरली वी डू नॉट प्रिफर नेगेटिव साइन इन डिनोमिनेटर, सो व्हाट यू विल प्रिफर, नेगेटिव साइन इन न्यूमरेटर. ठीक है, बाकी दोनों का मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस इक्वल है, बट डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव साइन को अवॉइड करते हैं. अनदर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन इज 0 by -7/5. 0 में डिवाइड देना है -7/5 का. जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा. यस, इट इज 0. डायरेक्टली वी कैन राइट आंसर 0. बट हाउ? 0 divided by -7/5. ये करना नहीं है. अगर आप ये कर रहे हैं तो इट मींस कि आपको प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है, बट ये सिर्फ आपके लिए मैं आपको करके बता रही हूँ, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है. नाउ समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0, राइट? तो ये आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है. यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर 0. ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में CBSE एज वेल एज NTSC दोनों एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं. ठीक है, अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन इज -22/27 डिवाइडेड बाय -110/18. -22/27 division is in multiplication, it is reciprocating. Again I am telling you can write sign here or here, whichever you want. ठीक है, अब आप इसको जैसा मैंने आपको बताया, जब भी आपके पास fractions होते हैं वो जब तक simplify हो रहे हैं तब तक हम अपने simplify करने की कोशिश करेंगे. तो हम क्या करेंगे, इन्हें कट डाउन करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले न्यूमरेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर. साइन सबसे पहले हम कट डाउन कर दें, माइनस एंड माइनस रिमूव हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे. साइन का अब कोई बॉदरेशन नहीं है. नाउ 11 2s 22 एंड 11 10s 110. नाउ 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 9s 27, 3 6s 18, अगेन इट इज कैंसिलिंग बाय 3, 3 3s 9,
थ्री टू जा सिक्स। अभी हम हॉचपॉच नहीं करेंगे, पहले सिंपल जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं वो हम नोट डाउन कर लें। नाउ टू से ये कैंसिल होगा, टू फाइव जा टेन। अब हम ध्यान से देखेंगे कि कुछ कैंसिलेशन के चांसेस है नहीं। सो नाउ यू कैन राइट योर फाइनल आंसर, वन टू जा टू अपॉन फाइव थ्री जा फिफ्टीन, एंड द साइन इज पॉजिटिव बिकॉज दोनों नेगेटिव जो है वो मिलके क्या बन चुके हैं, पॉजिटिव, और यू कैन से दोनों नेगेटिव जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, राइट। तो ये था फ्रैक्शन जैसा क्वेश्चन जो हम फ्रैक्शंस में भी सॉल्व करते आ रहे हैं, सिंपल। अनदर वन इज माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस एट अपॉन सेवेंटीन। नाउ माइनस सिक्स सेवेंटीन अपॉन माइनस एट, अगेन माइनस माइनस हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। सो माइनस का कोई बॉदरेशन नहीं, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, सॉरी आई फॉरगॉट, सिक्स के नीचे हमें वन लगा लेना चाहिए पहले ही, बिकॉज देयर हैज नो डिनोमिनेटर एंड एज आई टोल्ड यू इफ वन इज अ फ्रैक्शन देन अदर शुड लुक लाइक अ फ्रैक्शन, तो हम उसके डिनोमिनेटर में वन लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर अवर कन्वीनियंस। नाउ न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, सो इट विल गिव यू रिजल्ट 51 अपॉन 4। इट वॉज वेरी सिंपल। लास्ट सिंपल क्वेश्चन इज माइनस 40 अपॉन 99 डिवाइडेड बाय माइनस 20। बिफोर सॉल्विंग अगेन व्हाट आई विल डू, विल पुट 1, ठीक है। नाउ माइनस 40 अपॉन 99 डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड योर फ्रैक्शन विल बी रेसिप्रोकेटेड। सिंपल, नेगेटिव नेगेटिव हम पहले ही सॉल्व कर देते हैं, सो इट विल बिकम पॉजिटिव। नाउ 21 जा 20, 22 जा 40। अब जो रिमेनिंग है वो हम सारा लिखेंगे एंड विल चेक दैट ये फर्दर कैंसिल हो रहे हैं क्या, नहीं। सो योर आंसर इज 2 अपॉन 99। सो स्टूडेंट्स, डिवीजन सिंपल, बहुत सिंपल है अगर आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्लियर है तो, क्योंकि डिवीजन में इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नाउ अनदर एग्जांपल इज 3 बाय 5 बाय 4 अपॉन 25, बोथ आर पॉजिटिव। 3 बाय 5 विल राइट डिवाइड इन प्लेस ऑफ बाय, देन 3 बाय 5 विल कन्वर्ट डिवाइड इन टू मल्टीप्लीकेशन एंड 4 बाय 5 विल बी रेसिप्रोकेटेड। नाउ विल सॉल्व 5 वन ज 5, 5 फाइव ज 25। अभी हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिखेंगे एंड विल चेक दैट वेदर इट इज कैंसलिंग फर्दर और नॉट। सो इट इज नॉट कैंसलिंग, सो योर आंसर विल बी 15 अपॉन 4। Another one is minus 8 by 9 in place of by, I am directly writing divide, this is your question, then 3 upon 4, now minus 8 multiplied by 3 upon 9 into 4, 4 ones are 4, यहाँ पर माइनस टू विल रिमेन, राइट। फोर टू ज एट बट इट इज माइनस एट, तो यू विल गेट माइनस टू। नाउ थ्री वन ज थ्री, थ्री थ्री ज नाइन, सो फाइनली इट इज माइनस टू इंटू वन, थ्री इंटू वन मीन्स माइनस टू अपॉन थ्री। वन इज नेगेटिव रैशनल नंबर एंड अनदर वन इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। 16 अपॉन 21 बाय मीन्स डिवाइड माइनस 4 अपॉन 3। नाउ व्हाट यू विल डू, 3 अपॉन माइनस 4, फर्स्ट विल कैंसिल द साइन सो दैट इसका कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। नाउ 4 वन ज 4, 4 4 ज 16। अभी हम
हॉचपॉच नहीं करेंगे, पहले हम इससे सिंपल जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। नाउ 3 ones are 3, 3 sevens are 21, सो फाइनली योर आंसर इज 4/7, राइट। लास्ट क्वेश्चन और लेंगे, जब दोनों रैशनल नंबर नेगेटिव हों, -8/13 डिवाइडेड बाय -4/3। नाउ डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, देन क्या होगा 3/-4, अगेन माइनस माइनस हम कैंसिल कर देंगे, 4 ones are 4, 4 twos are 8, सो इट इज 3 twos are 6/13, सो 3/right, सो यू विल गेट 6/13, सो दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, आई होप कि अब आपको रैशनल नंबर से डर नहीं लगेगा, इतने सारे हमने क्वेश्चन किए तो आई थिंक देयर इज नो कन्फ्यूजन एट ऑल। सो नाउ आई विल टेक प्रॉब्लम सम, बिकॉज ये छोटे छोटे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व किए, बट हमें प्रॉब्लम सम भी सॉल्व करना आना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -28/81 इफ द वन नंबर इज 14/27, फाइंड द अदर। Like you are two students and I want to find the product of your two of your age, like you are 12 year old and you are 14 year old, then how will find the product, will multiply 12 and 14, right। Abhi hame age pata hai ki he is 12 and she is 14, but if I don't know about the age, then what I'll do, I'll consider variable, x मैं इन पर्सन के लिए ले लूंगी एंड y आई विल टेक फॉर अनदर पर्सन, एंड देन व्हाट आई विल डू, x मल्टीप्लाई बाय y, why आई एम टेकिंग वेरिएबल, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द एज, अगर मुझे एज पता है देन तो आई विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई नंबर्स, लाइक यू आर 12 एंड यू आर 14, सो आई विल मल्टीप्लाई 12 एंड 14, बट इन केस आई डोंट नो अबाउट द एज, देन व्हाट आई विल डू, आई विल टेक टू वेरिएबल्स, और आई कैन कंसिडर योर नेम, लाइक यू आर अनिल एंड फॉर एग्जाम्पल अनदर इज सुनीता, देन व्हाट आई विल डू, अनिल मल्टीप्लाई बाय सुनीता, नॉट अनिल, अनिल का हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एज ऑफ अनिल एंड एज ऑफ सुनीता, ये हम कब करेंगे, जब हमें एज नहीं पता है, बट अगर हमें एज पता है देन वी विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई द नंबर्स, राइट। नाउ इन आवर क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, ये तो हमारे सिंपल नंबर हुए 12 एंड 14, जो है हमारे नेचुरल नंबर हो गए, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे, बट इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पैटर्न हम वही लेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -28/81, ये हमने क्यों किया, ये हमने सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करी, अब हमें इसमें एक नंबर की वैल्यू गिवन है, इफ द वन नंबर इज 14/27, लाइक I took example कि ये दो persons थे, एक की एज 12 थी एक की 14 थी, अब मैं एक की एज ले लेती हूँ 12 है और दूसरे की मुझे नहीं पता है, तो एक की तो मुझे पता है कि ही इज 12 year old, सो इन द सेम वे इफ द वन नंबर इज 14/27, सो आई विल पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ x, मीन्स वन नंबर, सो ये हो गया वन नंबर, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड जो हमें नहीं मालूम है, इट इज
not known, but the product we already know, it is minus 28 upon 81. So ये हमारा क्या हुआ, equation form हुआ. Means इस problem से हमको solve करने से पहले we need to know how to form the equation. अगर हमें equation ही बनाना नहीं आएगी तो हम आगे भी solve नहीं कर पाएंगे, right? तो अभी हमने सबसे पहले क्या करी, equation बनाई. Now we'll solve this linear equation. ये number यहाँ पर multiplication में है. When it will come to the right hand side, what will happen? Yes, it will goes into the division. ये right hand side पे आएगा तो division में convert होगा, because rule होता है. Simple सा हम कोई equation ले लें, 2 of x equals to 14. Find the value of x. Then what you do? इस 2 को आप उधर shift करते हैं. Multiply है तो it will goes into division. 14 upon 2 होता है या 14 divided by 2. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं. प्लस का नंबर है तो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो माइनस में होगा. माइनस का नंबर है अगर वो इक्वल के लेफ्ट राइट शिफ्ट होगा तो साइन जो है चेंज हो जाएगा. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ होता है. सो ये पूरा जो 14 अपॉन 27 है ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है. ये राइट हैंड साइड पर जब जाएगा तो ये क्या कन्वर्ट होगा, डिवाइड में, डिवाइडेड बाय 14 अपॉन 27. ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमने केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है. नाउ विल सॉल्व द डिवीजन. एंड डिवीजन सॉल्व करने के लिए अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, सेम वही पैटर्न हम यहाँ अप्लाई करेंगे. डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे. सेकेंड टर्म जो है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी और अब हमारे फ्रैक्शन ऐसे हो जाएंगे. ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई करना होता है हमें. जब तक सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. 27 वन जा 27, 27 थ्री जा 81, राइट. नाउ 28, अभी मैं यहां मेस नहीं कर रही हूं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कॉपी कर रही हूं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कॉपी कर रही हूं, राइट. अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे. 14 वन जा 14, 14 2's are 28, but it will give minus 2 because it is minus 28. यहाँ पर आपको साइन का ध्यान रखना है. So finally it is minus 2 upon 3. Means your answer is minus 2 upon 3. Another जो नंबर था वो कितना आ चुका है, minus 2 upon 3. अगेन हम इसे हमारे एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे. हमारे पास दो स्टूडेंट्स थे, अनिल एंड सुनीता. मैंने एक की एज ली थी 12, दूसरे की मुझे एज नहीं पता थी, बट दोनों का प्रोडक्ट मुझे पता था. तो हमने क्या करा, दूसरे की एज निकाली एंड ऑब्वियसली वो कितनी आएगी, 14, क्योंकि हम 12 और 14 ही लेके चल रहे थे. सिमिलरली यहाँ पर हमारा एक नंबर जो है वो दिया हुआ था और दूसरा नंबर हमें फाइंड करना था, बट दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ था तो हमने दूसरा नंबर जो है वो फाइंड कर लिया. अब आप खुद अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं. यू कैन चेक योर आंसर बाय योर ओन. हाउ, सो यहां पर हम छोटा सा चेक करके देखेंगे. आवर क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस. वन नंबर इज 14 अपॉन 27. Another we got minus 2 upon 3 and the product of these two number is already given, which is this. ये answer आना चाहिए अगर हम इन दोनों numbers को multiply करें. Multiply कैसे होगा, numerator numerator denominator denominator. 14 2's are minus 28 upon 27 3's are 81. हमारा LHS जो है RHS के इक्वल आ चुका है. इट मीन्स द नंबर्स आर 14 अपॉन 27 एंड अनदर इज माइनस 2 अपॉन 3, राइट. सो इस क्वेश्चन में आपका डिवीजन जो है वो सॉल्व करने से पहले इक्वेशन बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इक्वेशन करेक्ट फॉर्म होना चाहिए तभी आप सॉल्व भी आसानी से कर पाएंगे.
Now, second question is very important question because it is very different kind of question. First, I am reading the question. By what number should be multiply 3 by minus 14 so that the product may be 5 by 12? Right? सबसे पहले हम question लिख लें. By what number should be multiply 3 by minus 14 so that the product may be 5 upon 12. Before solving, हम again अपने example पे आएंगे. These are two students, one is Anil and another is Sunita. Right? The age of Anil is 12. Now I am saying the product of age of Anil and Sunita is 120. So what will be the age of Sunita? They will definitely say the age of Sunita will 10. कैसे? Age of Anil, product कहा है मैंने, age of Sunita is 120. Right? This is a question which I am talking about. Now, age of Anil is 10 and I want to find the age of Sunita, but the product is given. So, you immediately say, ma'am, यहाँ पर age of Sunita 12 होगा, because 12 tens क्या होता है? 122. Means, ये 12 जो है, आपने कहाँ से find किया? आपने 120 में 10 का divide दिया. And जो answer आया, वो आपने बताया. ठीक है? Similarly, यहाँ पर भी होगा, but यहाँ पर हमने एज मेंशन की हुई थी, यहाँ पर हमने नहीं की. तो सबसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे. द प्रोडक्ट ऑफ टू मे बी, प्रोडक्ट मे बी 5 by 12. राइट? नाउ व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3 by -14? मीन्स वन नंबर इज 3 by -14 and another we don't know, but the product they are expecting 5 by 12. Fine. Same procedure, ye term right hand side pe jayega. So, it will convert into division. 3 by -14. Now, divide aap solve karenge. 5 upon 12, divide ko aap multiply mein karenge. Convert aur ye term reciprocate ho jayega. Theek hai? Now, 2 6 are 12, 2 7 are 14. अभी आगे cancel नहीं हो रहा है. 6 into 3 means -35 by 18 is your another number. Or you can say what number should be multiply, means this number should be multiply 2 3 by -14 so that the product may be 5 by 12. स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर सॉल्व करने से पहले आप यही क्वेश्चन सिंपल नेचुरल नंबर या इंटीजर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू एक्स, यू विल गेट, मान लीजिए 16 एंड एक्स इज 4. राइट? नंबर इज 4. मीन्स 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, देन यू विल गेट 16. सो वॉट विल बी योर आंसर? 4. 4 में हम 4 का मल्टीप्लाई करें, देन यू कैन गेट 16. तो आप ये क्वेश्चन को पहले सिंपल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के लिए प्रैक्टिस करें, देन उसको फ्रैक्शंस के लिए प्रैक्टिस करें. ठीक है? कॉन्सेप्ट एक ही होगा. व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई मीन्स 3 by 14 में हम y का मल्टीप्लाई करें, देन यू वी विल गेट 5 upon 12. और y हमें नहीं पता है, तो y हमने क्या किया? फाइंड किया. कितना आया आंसर हमारा? -35 by 18. मीन्स 3 by 14 में हम -35 by 18 का मल्टीप्लाई करें सो दैट वी कैन गेट द प्रोडक्ट 5 by 12. राइट? तो सिंपल प्रॉब्लम सम है, बट इनको, इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको सिंपल नंबर्स के लिए पहले सॉल्व करें तो ज्यादा आसान हो जाएगा. ठीक है?